की भारत माता की। वर्ष 1619 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहमदाबाद, भड़ौच, अब का भरूच, बड़ौदा, अब का वडोदरा और आगरा में कारखाने बना लिए और सबका नियंत्रण सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय से होता था। वर्ष 1632 तक ब्रिटिश कंपनी पश्चिम से पूरब की ओर पहुंच चुकी थी। बंगाल के बैरकपुर में तैनात ब्रिटिश शासन के सिपाही मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे के इस विद्रोह से अंग्रेज इस कदर डर गए कि उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी और गोंडा जैसे इलाके अंग्रेजी शासन से मुक्त हो गए थे। बहिष्कार कर ये आवाज बुलंद और लाला लाजपत राय ने बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। गरम दल के इन नेताओं की तिकड़ी को लोग लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर और बालकृष्ण चापेकर, बंगाल में खुदीराम बोस, जतेंद्रनाथ मुखर्जी, रास बिहारी बोस और पंजाब के क्रांतिकारी के रूप में अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद की पहचान होती थी। इन क्रांतिकारियों से अंग्रेजी सरकार खौफ खाती थी। जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने आज मार्च 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। 24 दिन की यात्रा के बाद गांधी ने दांडी में समुद्र तट पर जाकर अवैध नमक बनाया और इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया। भारत के अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का महात्मा गांधी ने ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही गांधी जी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश के अलग अलग शहरों में हिंसा शुरू हुई। ब्रिटिश शासन इस आंदोलन को कुचलने की क्रूरता की सारी हदें। पुलिस की गोली से देश भर में करीब 1,000 लोग, पूरे देश भर में 80,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। 2 साल बाद 1944 में गांधी जी को रिहा किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया गया। भारत के जिम्मेदार लोगों को सत्ता सौंप दी और भारत छोड़ दिया। हिस्टोरिक डे व्हेन इंडिया टेक्स हर प्लेस एज अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट डोमिनियन इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। देश के स्वतंत्रता सेनानी महान क्रांतिकारियों का संघर्ष रंग लाया और 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जब घड़ी की सुई 12 बजे पर पहुंची और तारीख 15 अगस्त हुई तो हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया।
और 15 अगस्त की सुबह नए हिंदुस्तान का जन्म। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Into this 77th Independence Day. We have completed 76 years of our independence. वो है प्यारा, वो है प्यारा।
इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? अच्छे हैं और सच्चे हैं, अच्छे हैं और सच्चे हैं, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। थैंक यू। Using the names of the new vice captain and captain, I want to felicitate the outgoing vice captain and captain. First of all, Mr. Alok Ranjan Yadav. Alok Ranjan Yadav. Now the captain of the outfit, captain of the school, Ms. Vartika Yadav. She was really very good and she has given all her support in the day-to-day work of the school. Team has come to take over the new vice captain and captain. So first of all, vice captain boys, Mr. Shreyas Shankar Rai of 9E. Shreyas Shankar Rai. Now return of vice captain girl, and she is the sweet girl of the school, Meethi of 9E. Now the last, but not the least, the next captain of the school will be Ojal Srishti of 11C. Ojal. First of all, happy Independence Day to all of you. This is your ex-captain, school captain, Vartika Yadav. The only thing I just wanted to tell you all that this whole journey of me being the captain was a journey of learning. I learned a lot of things from you all, and especially a special thanks to Director Sir, Preeti Ma'am, and obviously Neha Ma'am, who supported me all the way she can do it. And that's it, I just wanted to tell. And very heartily congratulations to all of them. All the best for your journey. Thank you so much. Class teacher, you all please make one line and move from the main gate.